और अब ग्राउंड जीरो की रियलिटी दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष तिवारी संवाददाता बदायूं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्कंदिता मिश्रा संवाददाता मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, राजेश कुमार हमारे सहयोगी फतेहपुर सीकरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और SK वाजपेयी जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले शुरुआत कर लेती हूँ पीयूष आपसे कि बदायूं में किस तरह के आज पूरे दिन मतदाताओं में किस तरह की उत्सुकता नजर आई और बदायूं का फिलहाल वोटिंग परसेंटेज कितना रहा आज? देखिए अगर हम बात करें तो फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि 5 बजे तक करीब 52% के आसपास ही वोटिंग परसेंटेज रहा है। चूंकि पिछले बार के मुकाबले अगर हम देखें तो चाहे 2014 में या 2019 में, 2014 में करीब 57% के आसपास बदायूं में मतदान प्रतिशत रहा था, इसके साथ ही 2019 में 58% तक मतदान प्रतिशत रहा, यानी कि उसमें बढ़ोतरी हुई। लेकिन अचानक से आपने देखा कि इस बार जो चुनाव हुआ है, इस बार जो मतदान हुआ है बदायूं में, करीब 52% के आसपास 5 बजे तक का जो डेटा है उसके हिसाब से 52% तक मतदान हुआ है। हालांकि इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी हो सकती है, लेकिन आप समझिए कि पिछली बार के मुकाबले 3-4% जो है वो कम मतदान इस बार भी कहीं ना कहीं बदायूं में हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपने देखा कि सुबह से ही कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पर उस तरीके से भीड़ देखने को नहीं मिली। जब दोपहर हुआ तो तमाम जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने मतदाताओं को घर से निकालना शुरू किया, यानी कि उन्होंने अपील की ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान कर सके। शाम होते होते थोड़ा बहुत मतदान प्रतिशत जरूर बढ़ा है। इसके साथ ही जो तमाम यहाँ के लोग हैं उनका ये मानना है कि यहाँ जो राजनीतिक समीकरण है वो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया है 400 पार का, तो लोगों का मानना है कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में है, वो आश्वस्त है कि अब की बार 400 पार तो आ ही रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी का जो वोटर है वो धीरे धीरे घरों से निकल रहा है या ज्यादातर वोटर नहीं निकल पा रहा है अन्य दलों के मुकाबले, और अन्य दल जीत करें और जीते। सबसे बड़ी बात है कि बदायूं सीट की अगर हम बात करें तो 1996 से आपने देखा कि 2014 तक किस तरीके से, यानी कि 2014 में भी धर्मेंद्र यादव जीते थे, उस वहां तक पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा। जब 2019 आया तो आपने देखा कि संगमित्रा मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, उन्होंने जीत दर्ज की, और जीत का मार्जिन कितना था, करीब 18 से 19 हजार का यह जीत का मार्जिन था। इसके साथ ही चूंकि उस समय परिस्थितियां कुछ और थी, अब की परिस्थितियां कुछ और है, बदायूं की अगर हम पूरी तरीके जी बिल्कुल बिल्कुल पीयूष, यहाँ पर समीकरण भी बदले हैं क्योंकि प्रत्याशी भी बदला है बीजेपी ने। अब देखना यही है कि बदले हुए प्रत्याशी के साथ क्या बीजेपी ये समीकरण बिठा पाती है, नहीं बिठा पाती है, वो तो जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो पता चलेगा। हमारे साथ मैनपुरी से स्कंदिता मिश्रा भी लगातार हमारे साथ लाइव बनी हुई है। और स्कंदिता, इस बार मैनपुरी में विकास वर्सेस विरासत बचाने की ये लड़ाई है, मैनपुरी में वोटिंग परसेंटेज कितना रहा और मतदाताओं में आपने किस तरह की उत्सुकता देखी आज पूरे दिन? देखिए बिल्कुल, आपको बता दें अगर मैनपुरी के वोट परसेंटेज की बात की जाए तो 55.8% वोट परसेंटेज रहा है, जो कि बीते साल के मुकाबले इस बार कम रहा है। इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण जो देखने को मिला वो गर्मी रही है कि गर्मी की वजह से भी लोग जो है नहीं निकले, जो खास करके जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो ड्यूटी करने वाले थे, वो जो बाहर जो लोग गए हुए थे वो जो लौट कर लेट आ पाए हैं, वो लोग कई लोग वोट नहीं डाल पाए। ये हमें जो चीज़ देखने को मिली कि 6 बजे से पहले नहीं पहुँच पाए बूथ स्टेशन पर, तो वो उन लोगों का वोट नहीं पड़ पाया। इसके अलावा भी गर्मी भी एक कारण रहा है। हालांकि सर तमाम व्यवस्थाएं करवाई गई थी, जैसे कि व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी बुजुर्गों के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं करवाई गई थी बुजुर्गों के लिए कि वो घर से कैसे वोट डाल सके, या फिर जो विकलांग लोग हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं कराई गई थी। गर्मी को देखते हुए पानी की व्यवस्था थी, टेंट लगवाए गए थे और पोलिंग स्टेशन को पूरी तरीके से सुंदर सजाया गया था, जिससे लोग जो है वो आए वोट करें, वोट करते हुए नजर भी आए। विकास के मुद्दों पर लोगों ने वोट किए हैं। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन के बाहर ही मौजूद है, जहां पर पूरी टीम जो है वो पैकअप करके अभी यहां से निकली है, रवाना हुई है। और कहीं ना कहीं अब जो वोट था, मत की जो पेटी है वो बंद चुकी है। अब क्या फैसला निकल कर आएगा ये 4 तारीख को पता चलेगा। हालांकि अगर मैनपुरी की बात की जाए तो एक और डिम्पल यादव है जो नेताजी की परंपरागत सीट से मैदान में उतरी थी, उनके लिए साख बचाने की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं जयवीर सिंह भी
अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं जो कि बीजेपी से है, और उनके प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी मैनपुरी की धरती पर दो दो तीन तीन बार आए और आकर उन्होंने उनके लिए वोट की अपील की। यानी कि किसी भी हाल में मैनपुरी की सीट जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया। और मैनपुरी से अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो डिम्पल यादव अपने पूरे परिवार के साथ धरातल पर मौजूद रही। परसों 5 बजे प्रचार खत्म हुआ तब तक डिम्पल यादव मैदान में लगातार जुटी रही। उन्होंने अपने रोड शो किए, जनसभाएं की, लगभग सभी देहात का जो एरिया है, गांव है, वहां गई डिम्पल यादव। लगातार उन्होंने वोट की अपील की। बहुत महत्वपूर्ण ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि डिम्पल यादव यानी कि सीट से उपचुनाव में जीती थी, और बड़ी बात यह है कि मोदी लहर में भी, बीते चुनाव में भी, ये सीट सपा जीतने में कायम रही। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फतेहपुर सीकरी से। राजेश, अगर हम बात कर ले फतेहपुर सीकरी की, तो 2008 में ये सीट अस्तित्व में आई, उसके बाद यहां से बीएसपी ने जीत हासिल की, दो बार से बीजेपी का यहां पर कब्जा रहा। मौजूदा स्थिति आप किस तरह की देख रहे हैं और यहां का वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहा? बिल्कुल अर्चना, चूंकि दुनिया भर में बुलंद दरवाजे के नाम से मशहूर यहाँ पे जो अपनी एक अलग पहचान ये शहर रखता है, और यहाँ की जनता भी इतने बुलंद इरादे रखती है कि जब जिसको जिताने पे आती है तो एक तरफा जिताती है, हराने पे आती है तो फिर उसके दिन भी बुरे आ जाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पिछली बार 2019 के जब हम चुनाव को देखें तो उसमें थोड़ा सा इको हो रहा है, ये थोड़ा ठीक कर रहे हैं। 2019 के चुनाव को जब हम देखें तो देखिए उसमें चूंकि राजकुमार चाहर जो हैं वो एक बड़े अंतर से जीते थे, प्रदेश में दूसरे नंबर पे वो रहे थे, इतना मार्जिन था उनका करीब 4.5 लाख वोट का। इस बार उनकी साख दांव पे है, सामने रामनाथ सिकरवार हैं जो कि उनको कड़ी चुनौती दे रहे हैं। बीएसपी ने यहां से ब्राह्मण चेहरे को उतारा है, वो दलित और ब्राह्मण गठजोड़ जो है उसको साधने की कोशिश कर रही है। और चौथा ट्विस्ट यहां के रण में ये आया कि जो बीजेपी के ही विधायक हैं बाबूलाल, उनके बेटे ने भी निर्दलीय यहां से पर्चा भर दिया, जिसके बाद यहां का समीकरण बेहद रोचक हो गया है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अभी कह पाना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ अब तक करीब 60% मतदान यहाँ पे हुआ है। 2019 में 61% के आसपास हुआ था, यानी लगभग बराबर का रहा ये रेशियो 19 और 24 में। और अब चूंकि यहाँ के अगर मुद्दों की बात करें तो भले ही हम फतेहपुर सीकरी में हैं लेकिन यहाँ पे राम मंदिर का भी जिक्र हुआ, यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दों का भी जिक्र हुआ, चूंकि लोकसभा का चुनाव है, पानी की एक समस्या यहाँ पे एक बड़ी समस्या है, किसानों की कई समस्याएं यहाँ पे सामने आई, तो अलग अलग मुद्दे थे जिन पे लोगों ने वोट किया। सुबह काफी उत्साह लोगों में दिखाई दिया, दोपहर होते होते चूंकि गर्मी बढ़ी तो फिर मतदान केंद्र खाली दिखाई दिए, 4 बजे के बाद एक बार फिर स्पीड बढ़ी और ये प्रतिशत जो है अब तक करीब करीब 60% मतदान हो चुका है। इस बार का यहाँ का समीकरण बेहद आप समझ सकते हैं कि कैसे त्रिकोणीय भी नहीं बल्कि ये चार कोण से मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है और बेहद रोचक है। टक्कर जो है गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ पे रामनाथ कोविंद और राजकुमार चाहर के बीच कड़ी टक्कर है, और इस मुकाबले को ऐसा नहीं कहा जा सकता जैसे कई सीटों पे हम आकलन कर लेते हैं कि यहाँ से ये जीत रहा है वहां से वो जीत रहा है, यहाँ पेच फंसा हुआ है और राजकुमार चाहर के लिए उतना आसान रास्ता नहीं जितना 2019 में रहा था। तो फतेहपुर सीकरी का ये जो सियासी मुकाबला है वो बड़ा रोचक अर्चना हो चुका है, 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो वो बेहद हैरान करने वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल राजेश, यानी कि आपका कहने का साफ तौर पर यही संकेत है कि यहाँ पर भी जो मुकाबला है वो बहुकोणीय है। हमारे साथ एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। एसके, आज जिन सीटों पर मतदान हुआ है, खास तौर से मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, क्या आपको लगता है कि उसका कुछ परिणाम आज के इस मतदान में देखने को मिला? बिल्कुल, चूंकि अभी तक फाइनल रिजल्ट्स नहीं आए हैं और अब से थोड़ी देर बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि जो मतदाता 6 बजे तक पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए होंगे वो अभी तक भी अगर वो लाइन में हैं तो मतदान उनको करने की परमिशन है, हालांकि 6 बजे से पहले वो मतदान केंद्र के अंदर आ गए हों तो वो अभी वोट कर रहे होंगे। बहुत सारी जगहों पर 6 बजे तक मतदान भी चला होगा या उसके बाद जो लोग लाइन में लगे रहे होंगे वोट डाल रहे होंगे। लेकिन एक चीज थोड़ा सा जरूर दिखाई दी कि अगर हम पिछले 2 चरणों की बात करें, जो पहला चरण हुआ 8 लोकसभा सीटों का और दूसरा चरण जो 8 लोकसभा सीटों का हुआ, उनसे थोड़ा सा प्रतिशत अगर हम सुबह 11 बजे देखेंगे, दोपहर 1 बजे देखेंगे या फिर 3 बजे देखेंगे तो वो थोड़ा सा जरूर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। हालांकि अगर हम शाम 5 बजे तक बात करें तो जो 55.3
13% मतदान अब तक 5 बजे तक था। हालांकि उसके बाद जो लोग 5 से 6, 1 घंटे का समय था, इस दौरान जो लोग लाइन में लगे रहे होंगे वो 6:30 या अभी तक भी अगर लाइन चल रही होगी तो अभी भी वो वोट डाल रहे होंगे। हालांकि अब ज्यादातर जो प्रत्याशी हैं, चूंकि 100 प्रत्याशी मैदान में थे, 1,89,00,000 से ज्यादा मतदाता इन 10 लोकसभा सीटों पर वोट कास्ट करने के लिए कहीं ना कहीं तैयार थे। हालांकि बहुत सारे प्रयास आयोग की तरफ से थे, जिला प्रशासन की तरफ से, खासतौर पर पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से सभी ने अपील की थी कि आप बाहर निकले, मतदान करें, छुट्टी का भी दिन है क्योंकि प्रशासन ने भी छुट्टी घोषित कर रखी है। ऐसे में मतदान की अपील जरूर की गई थी, लेकिन वो अपील कुछ मौसम की बीमार है और कुछ जैसा कि हमारे सहयोगी अलग अलग चीजें बता रहे हैं, जिस वजह से शायद मतदान प्रतिशत उतना नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेशन था, जितना पूर्व के चुनाव में हुआ। हालांकि थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा क्योंकि अभी इसमें बैलेट जो वोट है वो इसमें जुड़ेंगे, उसके अलावा जो लोग अभी 5 बजे के बाद वोट डाले होंगे वो भी अभी मतदान प्रतिशत आएगा, तो उसके बाद थोड़ा चीजें जरूर बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। हालांकि अभी तक अगर हम संतोषजनक स्थिति देखें तो वो संभल जैसे जिले की है जहां पर 61% मतदान शाम 5 बजे तक ही हो चुका था। मतलब साफ है कि वो करीब 2 से 3% और बढ़ सकता है जब अभी फाइनल रिजल्ट वहां का आएगा। जी, उसके अलावा अगर हम एटा की बात करें तो 57% मतदान है, मैनपुरी की बात करें तो लगभग अप्रोक्स 57% के करीब में मतदान मैनपुरी में भी हुआ था। तो सीधे तौर पर ये सीटें काफी अहम हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का गढ़ और आसपास के ये जिले हैं जहां पर ये तीसरे चरण में इन 10 सीटों को लेकर मतदान हुआ है। तो सीधे तौर पर बहुत सारी तैयारियां जरूर है, कई लोगों की साख दांव पर। अगर हम फिरोजाबाद देखेंगे तो राम गोपाल यादव के बेटे मैदान में है, अगर हम बदायूं देखेंगे तो शिवपाल यादव के बेटे मैदान में, मैनपुरी से खुद डिंपल यादव मैदान में है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, तो बहुत सारे लोगों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बिल्कुल, अब अगर बात कर ले पीयूष, क्योंकि आप बदायूं में इस वक्त मौजूद हैं, खास तौर से जैसे कि हमारे सहयोगी राजेश ने भी बताया कि फतेहपुर सीकरी में चुनाव हुआ, वहां पर मतदान हुई, लेकिन वहां पर राष्ट्रीय मुद्दा भी प्रभावी नजर आया, राम मंदिर का मुद्दा प्रभावी नजर आया। बदायूं की जनता से जब आपने बातचीत की, जब मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे, तो जब आपने उनसे बातचीत की तो उनका क्या कहना था? क्या साफ तौर पर स्थानीय मुद्दे ही वहां पर हावी नजर आए या राष्ट्रीय मुद्दों का भी प्रभाव वहां पर देखने को मिला? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वोटर भी जो है वो कहीं ना कहीं दो खेमे में बटा हुआ है। पहला जो वोटर है वो बीजेपी का खेमा का है, दूसरा जो वोटर है वो कहीं ना कहीं सपा के खेमे का है और अन्य खेमे के भी तमाम वोटर्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय मुद्दा तो हर स्टेट में है, हर जिले में है, हर तहसील में है, यहाँ तक कि गाँव तक वो मुद्दा चल रहा है। चाहे सीए की बात करें, राम मंदिर की बात करें, 3 तलाक की बात करें, मुफ्त राशन की बात करें, ऐसे केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं भी हैं जो जनता से कनेक्टेड हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि जब बदायूं सीट को डिक्लेयर करना था तो खासतौर पर इंडिया अलायंस में काफी चर्चाएं हुई। समाजवादी पार्टी के खाते में जब ये सीट गई तो समाजवादी पार्टी ने क्या किया, 31 जनवरी को समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया, 20 जनवरी को समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को यहाँ से उम्मीदवार बनाया, आखिरकार समाजवादी पार्टी ने आदित्य यादव को अपना उम्मीदवार बनाया। इसके साथ ही आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बदायूं का दौरा कर चुके हैं। दुर्गविजय सिंह साक्य की अगर हम बात करें, क्योंकि वो बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं, आपने देखा कि एक दौर में जब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में गए थे, उसके बाद वो दूसरी पार्टी में चले गए, उसके बाद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जब थे वो आक्रामक रूप से बीजेपी पर हमला बोल रहे थे। शायद यही कारण रहा कि संगमित्रा मौर्य कहीं ना कहीं चर्चाओं में रही और उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया। इसके साथ ही अगर हम बात की तो दुर्विजय सिंह साक्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संगठन से जुड़े रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर का जिक्र हमेशा हो रहा है और राम मंदिर का जो आंदोलन चल रहा था तो करीब 14 दिनों की जेल दुर्विजय सिंह साक्य को हुई थी, यानी कि वो 14 दिन जेल में होकर आए हैं। इसके साथ ही आज की अगर हम बात करें, आज किस तरीके से स्थितियां देखने को मिली, पहली बात है कि आदित्य यादव की ओर से ये आरोप लगाया गया कि प्रशासन की ओर से हमारे लोगों को वोट करने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि आमतौर पर जब आपने देखा होगा कि जहां मतदान स्थल होता है उसके बाहर पार्टियां अपनी कुर्सी टेबल लगाती है या दरी बिछाती है और जो मतदान करने लोग आते हैं, खासतौर पे जो समर्थक आते हैं उन पार्टियों के, तो वो कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट से उनके आईडी का मिलान करती है ताकि उन्हें मतदान करने में दिक्कत ना हो। आदित्य यादव की ओर से, उनके समर्थकों की ओर से ये आरोप लगाया गया कि उस दरी को भी, उस कुर्सी को भी हटा दिया गया है और बीजेपी की दरी कुर्सी को छोड़ दिया गया है। हालांकि ये प्रशासन पर आरोप लगाया गया, प्रशासन की ओर से लगातार इसका खंडन किया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आदित्य यादव लगातार सक्रिय नजर आए, यहां तक कि वो एक एक वोटर को, जो वोटर इस तरीके का आरोप लगा रहा था, बकायदा वो वहां पे जा रहे थे, उस बूथ पर जा रहे थे और हाथ पकड़कर वोट करा रहे थे। तो कहीं ना कहीं आदित्य यादव ने ये तो आरोप लगा दिया। शिवपाल यादव ने तो ये भी कहा कि ये अधिकारी जब यहाँ सत्ता बदलेगी तो इन अधिकारी को ये सिखाया जाएगा, ये बताया जाएगा कि निष्पक्ष चुनाव होते कैसे हैं।
देखिए अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव की यही बयानबाजी शायद है कि उन्हें शायद आज चुनाव के दिन जिले के बाहर रहना पड़ा, चूंकि आमतौर पर तमाम कानूनी प्रक्रियाएं भी होती है कि कोई बाहरी व्यक्ति जिले में नहीं रह सकता, खासतौर पर इस तरीके का जो नेता है, तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव आज बदायूं में मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज पूरी तरीके से शुरुआती दौर में आपने देखा कि मतदान प्रतिशत कम रहा, तमाम लोग घरों से कम निकले। आखिरकार जहां जहां सपा का वोट बैंक है खासतौर पर वहां पर एक तरीके से बंपर वोटिंग हुई, क्योंकि यहां के लोग मौजूदा लोग जो बताते हैं कि वहां पर बंपर वोटिंग हुई, लेकिन जहां पर बीजेपी का वोट बैंक है वो वहां पर जो वोटिंग है वो शाम के वक्त हुई है, यानी कि 3 बजे के बाद बीजेपी का वोटर जो है वो कहीं ना कहीं घरों से निकला है। सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी ने नारा दिया है 400+, कई लोगों का मानना है कि बीजेपी ने बिल्कुल अब देखना यही होगा कि पीयूष की वो 400 पार का नारा क्या वो सही साबित होता है या नहीं होता है। राजेश मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश अगर हम बात कर ले फतेहपुर सीकरी की, केवल फतेहपुर सीकरी की नहीं बल्कि आगरा की भी, जहां से एसपी सिंह बघेल इस वक्त मैदान में है, तो क्योंकि उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिली थी, विरोध भी देखने को मिला था, जब आपने मतदाताओं से बातचीत की तो क्या मतदाता उस रुख में नजर आए? बिल्कुल अर्चना, चूंकि मैं चाहूंगा कि इसमें हम हमारे जो स्थानीय संवाददाता हैं उनको भी थोड़ा समय दें इसी चर्चा में, और वो क्योंकि जमीनी हकीकत को ज्यादा जानते हैं और हम भी क्योंकि कई बार कई दिनों से यहाँ पे हैं और इससे पहले भी कई कार्यक्रम किए थे। ये बात आपकी ठीक है कि स्थानीय उम्मीदवार को लेकर लोगों में गुस्सा था, इसका जवाब हम जोगिंदर से लेते हैं। जोगिंदर, उम्मीदवार को लेकर किस तरह का लोगों में रोष दिखाई दिया और सबसे जमीनी मुद्दा क्या यहाँ पे नजर आया? यहाँ जमीनी जो मुद्दा है प्रत्याशी को लेकर, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो व्यक्ति जीतने के बाद उनके पास लौट के नहीं आया, ना ही उनके दुख और दर्द में शामिल हुआ, और दूसरी बात ये तमाम जो विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ धरातल तक कोई भी विकास या मुद्दे उन जमीनी तक नहीं पहुँच पाए। और रही बात उन लोगों की जो ग्रामीण जो नाराज है, जो वोटर जिन्होंने एक बड़े अंतर से उत्तर प्रदेश में दूसरा जो वोटर था जीतने का जो अंतर था केवल राजकुमार चाहर का था, जिसका श्रेय वो अपने और मोदी जी को देते रहे, मगर 5 साल के बाद उन्होंने मुड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जैसे मोदी जी चलो देश विदेश घूमते रहे, मगर यहाँ की जनता कह रही है कि ये भी देश विदेश घूमते रहे, इनको अपनी जनता और यहाँ से जीतने के बाद कोई मोह नहीं रहा, ना ही किसी के मरने वाले के व्यक्ति के फिरने आए। ये यहाँ स्थानीय लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि काम करो न करो मगर उनके बीच आते जाते रहिए, ताकि आपको याद रहे कि ये सांसद हैं और ये हमारे वोटर हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। और दूसरी बिल्कुल 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 राजेश, ये नाराजगी भी देखने को मिली और कहीं ना कहीं होता ना कि जनता कहती है कि अपने वोट से हम चोट देंगे, अब देखना यही होगा कि 4 जून को जनता ने किसे अपने वोट से चोट दिया है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि आज इस तीसरे चरण के मतदान के दौरान दिग्गजों ने क्या कुछ बयानबाजी की है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं, देखिए। अखिलेश यादव के पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव को मीसा में कांग्रेस ने बंद करके जो मौलिक अधिकार का हनन किया था, आजादी प्रेस की आजादी को चुना था, उनके साथ वो जा करके फिर संविधान की बात, परिवर्तन का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। यद्यपि ये लोकसभा का 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये चुनाव 18वीं लोकसभाओं में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस चुनाव के माध्यम से देश की जनता को संविधान को बचाना है। यहाँ पे पहले तो समाजवादी पार्टी के अगर बस्ते होंगे तो उनको दूर फेंका जा रहा है, अगर वहाँ वोटर आके इकट्ठा हो जा रहा है पर्ची के लिए तो उनको लाठी मार के भगाया जा रहा है, अगर अपना आधार लेके आ जाए, क्योंकि आधार लेके सिर्फ आना और वोट डालना भी अधिकार है, लेकिन उसको भी उस अधिकारों का भी हनन करने का काम यहाँ पे हो रहा है। तो मेरा बस प्रशासन से अनुरोध है कि आप निष्पक्ष तरीके से चुनाव को कराएं और प्रयास करें कि जहाँ जहाँ पे दिक्कत आ रही है ये सारी, कि आप आधार कार्ड पे भी वोट नहीं डालने दे रहे हैं, इनको देखा जाए। बदायूं की जनता से मैं ये अपील करूंगा कि राष्ट्रहित में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। अगर छोटी मोटी घटना होती है तो टेक्निकल बात है, प्रशासन अलर्ट मोड पे है और उसको ठीक किया जाएगा। 8 तारीख का इंतजार था, आप स्वयं गए होंगे बूथों पर जाकर देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति, माननीय योगी जी के प्रति, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है उसका बहुत लगाव है। और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछली बार जो बड़ी जीत कराई थी, मैं बदायूं के लोगों की भावनाएं जानता हूँ और जिस तरह से लंबे अरसे तक बाहरी लोगों का यहाँ पर वर्चस्व रहा या जीते रहे, लेकिन इस बार 1980 के बाद पहली बार बदायूं की मिट्टी में जन्मा पला बड़ा व्यक्ति यहाँ से चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का,
वो माने हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्गेश साके। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद में भी यहां पर कमल खिलाने का काम बदायूं लोकसभा की जनता ने किया था, और इस बार बड़े अंतर के साथ यहां पर बदायूं लोकसभा में कमल खिलेगा और बाहरी लोगों के लिए बदायूं की जनता मुंह तोड़ जवाब।